अभी नीट 2022 की रिजल्ट आई है और इस रिजल्ट के आने के बाद या तो आप डिप्रेस हुए होंगे या फिर आप मोटिवेट होकर पढ़ना शुरू कर दिए। एम आई राइट? इस वीडियो में मुझे आपसे 8 प्रॉमिस चाहिए, 8 प्रॉमिसेस चाहिए। कुछ बातें हैं जो आप भूल चुके हो, ये मुझे आपको याद दिलानी है और इसी चीज को ये वीडियो में बता रहा हूँ, वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, एक पेन निकाल लेना, एक पेपर निकाल लेना, ये 8 बातों को नोट करना, नोट डाउन करने के बाद अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाना और उसे फॉलो करना, यही मैं आपसे चाहता हूँ इस वीडियो में। सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शशि कुमार एंड करंटली आई एम पर्सुइंग माय थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस। इस वीडियो में ये सारी बातें हम करेंगे जो शायद आपको डॉक्टर बनने में, आपका खुद का जो ड्रीम है ना डॉक्टर बनने का, उसको कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। और ये 8 प्रॉमिसेस मुझे आपसे चाहिए इस वीडियो के थ्रू, जो मुझे आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताओगे और खुद से करोगे कि ये काम आज से मैं नहीं करूंगा। पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये सीरियसनेस। यार ये चीज ना मैं आपसे सीखा हूं, मैं आपसे जाना हूं, ठीक है। जब से मैं YouTube पे आया हूं ना आप लोगों के लिए, तो एक चीज जो मुझे पिछले 2 ईयर से सुनने को मिलता है ना लास्ट के समय में, कि भैया मेरा सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ, भैया मैंने ये अभी तक नहीं किया, भैया मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए। जो गलतियां है ना वो ये है कि आप सीरियस नहीं होते, स्टार्टिंग के समय से सीरियस नहीं होते, लास्ट के समय में जाके आपकी नींद खुलती है यार मुझे डॉक्टर बनना है। ये गलती मत करना, बी सीरियस फ्रॉम स्टार्टिंग, अभी से सीरियस रहो, ठीक है। जितना जोश अभी आपके अंदर है ना यार कि रिजल्ट आपका नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, ये गलती आपको पता चला ना, जोश आ रहा है ना अंदर से, वो जोश आपको लास्ट के समय तक मेंटेन करना है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, आप सीरियस लास्ट में होके हो जाते हो, लास्ट में जाके होते हो जब आपका समय खत्म हो चुका है, उस समय यार मेरे पास भी कुछ वर्ड्स नहीं होते बोलने का कि मैं क्या बोलूं, 3 मिनट थोड़ी ना होता यार। आपके पास अभी जितने समय है ना, उस समय में पूरा टाइम को यूज करना है और बी सीरियस फ्रॉम स्टार्टिंग। समझ में आ गया? राइट डाउन दिस पॉइंट इन योर नोटबुक कि बी सीरियस फ्रॉम स्टार्टिंग, मुझे स्टार्टिंग से सीरियस रहना है। समझ में आ गई? और दूसरी पॉइंट लिखना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो गलती आप करते हो वो ये कि आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो। बिना मॉक टेस्ट का सिलेक्शन नहीं होता मित्र, बिना मॉक टेस्ट की सिलेक्शन नहीं होता है, कान खोल के सुन लो। अगर आप सोच रहे हो कि बिना मॉक टेस्ट का सिलेक्शन हो जाएगा, बिना मॉक टेस्ट के एनालिसिस का सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। समझ में आ गया मेरी बात? मॉक टेस्ट देनी भी है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी करनी है, मिस्टेक्स भी देखनी है, क्यों मिस्टेक हो रहा है, क्यों आप क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, वहां पे क्या कंडीशन थी मॉक टेस्ट में जिससे क्वेश्चन नहीं बना। प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। कितने देनी है यार? आप अभी के समय में पर मंथ में 2 से 3 मॉक टेस्ट दो, इनफ है। सिलेबस कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट दो, बट देनी है। और आप दोगे, राइट डाउन दिस पॉइंट इन नोटबुक कि मॉक टेस्ट मुझे देनी है, प्लस एनालिसिस करनी है, प्लस मिस्टेक्स भी देखनी है। दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट है आपकी कि कभी भी बैकलॉग्स नहीं लगने देंगे। ये गलती आप करते हो ना, अभी भी, अभी अभी स्टार्ट भी नहीं की प्रिपरेशन, मुझे सुनने को मिलता भैया बैकलॉग्स लगे, भैया बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करें। अरे यार बैकलॉग्स लगने क्यों देते हो, लगने क्यों देते हो? आई नीड योर प्रॉमिस हियर कि भैया कभी बैकलॉग्स नहीं लगने देंगे, कभी बैकलॉग्स नहीं लगने, क्योंकि बैकलॉग्स एक ऐसा चीज है जो आपके सर पे रहता है, आप आगे का काम नहीं कर पाते हो, बस आपको पीछे का थिंकिंग आता है यार उतना सारा चैप्टर बचा हुआ है कैसे आगे बढ़े, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो कैसे आगे बढ़े। बैकलॉग्स कंप्लीट करने का एक तरीका है, मैं बता रहा हूं, एक तो यार पहले लगने नहीं दो, ठीक है, और अगर लग गया है, अगर लग गया है तो within 2 से 3 days कंप्लीट करो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो मित्र, थोड़ा सा 2-3 घंटा हर रोज का एक्स्ट्रा पढ़ लो, ठीक है, 2-3 घंटा हर रोज का एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो हो जाएगा। एक संडे आता है बीच में, उस संडे में आपको पूरा एफर्ट लगा के बैकलॉग्स कंप्लीट कर लो, करोगे तो ना, बैकलॉग्स नहीं लगने देंगे, राइट डाउन दिस पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है बैकलॉग लगने का रीजन, प्रोकेस्टिनेशन। आप करते हो ना काम को टाल देना, भैया ये चीज कभी नहीं करेंगे, प्रोकेस्टिनेशन कभी नहीं करेंगे। टॉपर का कुछ लक्षण होता है, पता तुम्हें टॉपर का कुछ लक्षण होता है, ठीक है, कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों होते हैं पता, यही रीजन है, क्योंकि वो कभी ये काम को टालते नहीं। सक्सेस होने वाले लोग ना कभी काम को टालते नहीं, आज के काम को आज ही करेंगे, चाहे आज पेन कितना भी हो, चाहे आज हम कुछ और क्यों नहीं कर रहे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट काम है यार, मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनना, बट वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो प्रोकेस्टिनेशन नहीं करेंगे, काम को टालना नहीं कभी। अगर तुम्हें आज मिलता है कि तुम 100 क्वेश्चन आज कर लो, तुम 6 घंटा बैठ के लेक्चर देख लो, 3 लेक्चर देखना है, तुम तीनों को एनालिसिस कर लो यार, आज के आज कर लो, उसको नहीं टालना है। प्रोकेस्टिनेशन कभी नहीं करेंगे, राइट डाउन दिस पॉइंट, राइट डाउन दिस पॉइंट, कभी प्रोकेस्टिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि प्रोकेस्टिनेशन का एक और रीजन है, ठीक है, एक और रीजन मैं बता रहा हूं, दैट इज एक्सक्यूजेस देना। भैया एक्सक्यूजेस आप इतना देते हो ना कि यार मतलब समझ में नहीं आता, मैं आज तक कभी एक्सक्यूज नहीं दिया कि मैं इस कोचिंग से पढ़ रहा हूं, मैं इधर से पढ़ रहा हूं, टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, ये वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं, भाई कभी एक्सक्यूज नहीं देना होता है। आप देखो कोई टीचर से आप पढ़ रहे हो, उस पर आप बिलीफ रखो, ठीक है, जब तक आप वो बिलीफ नहीं बनाओगे, ट्रस्ट नहीं करोगे ना टीचर पे, टीचर पे यार क्यों, खुद पे भी ट्रस्ट रखो, ठीक है, कि यार आप जो कर रहे हो ना वो सही कर रहे हो, ठीक है, जो आपको टीचर बता रहे हैं ना वो सही बता रहे हैं, बाकी काम आपको खुद से करना है। नेवर एक्सक्यूज फॉर योर रिसोर्स, जितना रिसोर्स आपको मिला ना उतना भी किसी को नहीं मिलता है मित्र। मुझे रिसेंटली कुछ बच्चों का कॉल आया था, पता है तुम्हें, कॉल आया था, बच्चे बोले थे कि भैया इवन मेरे पास बैच खरीदने के लिए पैसे नहीं, क्या करें, आपके पास तो वो भी है यार। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन में जाके पढ़ते हैं, किसी किसी वो भी नसीब नहीं होता,
क्यों एक्सक्यूज देते हो, क्यों एक्सक्यूज देते हो, किसके लिए देते हो? अगर तुम्हें लगता है कि एक्सक्यूज देके तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, राइट डाउन दिस पॉइंट, कभी एक्सक्यूज नहीं देंगे। समझ में आया मेरी बात? और नेक्स्ट पॉइंट जो दैट इज डेली टारगेट्स, जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ, जो तुम डिसाइड करते हो, डिसाइड तो कर लेते हो यार बहुत आसानी से कि आज मुझे इतना कर लेना है, जो उसमें आया करते हो, कंप्लीट करते हो, कंप्लीट कितने करते हो, कितने करते हो, बिना कंप्लीट किए सो गए, ऐसे होता है क्या? यू ऑलवेज कंप्लीट योर डेली टारगेट्स यार, कंप्लीट होगा ना तुम्हें सक्सेस वाली फीलिंग आएगी यार। जो तुम ये जो सुने हो ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये जो सुने हो ना, जब तक आप डेली सक्सेस नहीं होगे ना तो कैसे फाइनल डे में सक्सेस होगा? इतना आसान है क्या, इतना आसान है क्या फाइनल डे में सक्सेस होना? आपको डेली सक्सेस होना पड़ेगा। आप आज कुछ डिसाइड कर रहे हो कि मुझे आज ये करना है, तो वो आज कंप्लीट करोगे और नेक्स्ट डे आपका सक्सेस होगा, ठीक है? एक जो काफी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे रिसेंटली, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया कहां से पढ़े, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहां से पढ़े? देखो यार, ऑलवेज ऑफलाइन बेस्ड है, मैं हमेशा बोलूंगा कि ऑफलाइन बेस्ड है, बट अगर आपके पास उतने फंड्स नहीं है ना, तो आप ऑनलाइन के थ्रू जा सकते हो यार। ऑनलाइन में बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, मैं देखा अभी, 1,000 नहीं 2,000 नहीं 3,000 4,000 सिलेक्शन हुए हैं। कहां से? पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म से हुए है ना, देखे हो ना, हुए है ना। और ऐसे नहीं है कि वो सारे बच्चे ऐसे टॉपर नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं, एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं, सिलेक्शन लेते हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखा रहता है, ठीक है? तो आप ऑनलाइन के थ्रू जा सकते हो। और अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि भैया वहां तो बैच स्टार्ट हो गया यार, रिसेंटली बैच भी लॉन्च हुआ है पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे, यकीन 3.0 देखे हो ना, तो वहां आप ज्वाइन कर लो ना, वहां से पढ़ लो ना यार, काफी अच्छी फैसिलिटीज है वहां पे यार, इतना मिल रहा है ना जितना चाहिए यार। डाउट सॉल्विंग के लिए आपके पास वहां पे फैसिलिटीज है, टेस्ट सीरीज के लिए फैसिलिटीज है, डीपीपी मिलता है आपको, मॉड्यूल मिलता है आपको, ये सारी चीज मिलता है, ठीक है? और ये बहुत कम कॉस्ट लग रहा है, ज्यादा नहीं है, के लैंग्वेज में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? पीडब्ल्यू लिटरली एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां से आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। रिसेंटली मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूं यार, जहां पे ऐसे बच्चे रिजल्ट ला रहे हैं ना जो एक्सपेक्टेशन नहीं रहते हैं, खुद के मेहनत से वो ला रहे हैं, ठीक है? टीचर्स के मेहनत से ला रहे हैं, ला रहे हैं ना, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है? आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए, एक फोन होना चाहिए, बस पढ़ सकते हो, ठीक है? इस बार जो यकीन 3.0 लॉन्च हुआ है, उसमें आपको यार वीक में 6 डेज क्लासेस होंगे, है ना? आपको डेली के डीपीपीज मिलेंगे, होमवर्क मिलेंगे, आप फिर उसको सॉल्व करोगे, लाइव डिस्कशन होगा, एनसीईआरटी से आपको डिस्कशन करवाया जाएगा, तो ये सारी चीजें हैं आपके पास। डाउट अगर आती है तो डाउट आप पूछ सकते हो पीडब्ल्यू सारथी से, है ना? तो ये सारे फीचर्स आपको वहां मिल जाते हैं। और अगर आप यकीन 3.0 में इनरोल होते हो ना, तो साथ में आपको यकीन 2.0, यकीन 1.0, नीट प्रॉपर बैच, ये सारे का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है साथ में। एक और चीज जो इस बार मिल रहा है वो कुछ नोटबुक्स, है ना, स्टेशनरी सामान, लाइक आपका स्पाइरल कॉपी वगैरह हो गया, ये सब चीज भी आपको मिल रही है, तो ये भी काफी अच्छी है। कुछ कम प्राइसेस में आपको बेस्ट क्वालिटी के कॉपी मिल जा रहे हैं, ठीक है? आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आप पीडब्ल्यू किसी बैच में इनरोल होना चाहते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है? एक कोड यूज कर लेना, APR150, उसके थ्रू आपको कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा, ठीक है? तो वो है आपके पास ऑप्शन, ठीक है? बट एक चीज याद रखना, एक और प्रॉमिस लाइट ऑन करो कि आप कभी भी किसी भी लेक्चर को स्किप नहीं करोगे। ये जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड होंगे प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये जो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे ना, तो ये लेक्चर्स के लिए एक आप प्रॉमिस आप करो कि यार कभी आप लेक्चर मिस नहीं करोगे, कभी लेक्चर मिस नहीं करोगे। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक वैसे जिसका 570 एवं मार्क्स आ रहा है, ठीक है? एक वैसे जिसका 570 या फिर 560, 580 इसके अप्रॉक्स मार्क्स आ रहा है। तो यार आपका कॉन्सेप्ट, आई एम 100% श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट मैक्सिमम पोर्शन क्लियर होगा। आपको बस ना वैसे चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है जो वीक है, जो लिटरली वीक है, ठीक है? उस पे ज्यादा फोकस करना, और आपको मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे, ठीक है? तो ये आपको करना है। बट वैसे स्टूडेंट जिसका यार 500 से बिलो मार्क्स आ रहे हैं, आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे वीक होंगे, ठीक है? तो उस पे काम करना, आप लेक्चर्स हमेशा देखना, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? तो ये आपको करनी है, फाइन। यार एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ कि जब आप लेक्चर देख रहे हो ना, तो हमेशा कोशिश करना कि लाइव लेक्चर देखने का। रिकॉर्डर में क्या होता है ना कि आप वहीं पे फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगोगे, इस चीज से देने लगोगे कि बाद में देख लेंगे। रिकॉर्डर देख लेना काफी बेहतर है, ठीक है? उसके बाद यार बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट वाइज, ठीक है? एक और प्रॉमिस जो मेरे से आप कर लो, अभी कर लो, कि ये जो 8 महीने का जर्नी है ना नीट 2023 का, यहाँ पे आप कभी भी सैड नहीं होंगे। अगर आप सैड होते हो ना, तो आप इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते। कोशिश करना है कि हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहना, और अपना डेली काम करना, ठीक है? डेली का काम करना और हमेशा खुश रहना, ठीक है? ऐसा नहीं कि 4 दिन काम करें हफ्ते में और 2 दिन सो रहे, ऐसा भी नहीं करना। डेली काम करना और हमेशा कोशिश करो कि खुश रहना, ठीक है? क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो अंदर से आप पॉजिटिव रहोगे, और अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो हिम्मत आएगी तो आप पढ़ोगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स का बात करते हैं यार। फिजिक्स में काफी सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि भैया फिजिक्स में समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? फिजिक्स में देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का अभी उतना टाइम है नहीं, कुछ कुछ चैप्टर्स का पढ़ लेना 12th का, बट मेजर छोड़ दो, टीचर्स पे विश्वास रखो, टीचर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, बाकी आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करना है। और यार कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, तो भागना नहीं। भागते कौन है पता है? भागते वो लोग हैं जो डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, वो लोग भागते हैं। आप तो वैसे नहीं हो ना, आप उस कैटेगरी में नहीं हो ना, तो भागना मत कभी। मैं कभी न्यूमेरिकल से नहीं भागा था, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे से नहीं बनता था, बट मैं कभी भागा नहीं था न्यूमेरिकल से, मैं कभी नहीं भागा था। ऐसा होता था यार कि कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का इरिटेशन होता था यार, बन क्यों नहीं था, इरिटेशन होता दिमाग में,
दिमाग खराब होता है, बोलते दिमाग खराब हो जाए, बन क्यों नहीं रहा, ऐसा होता था। बट कभी मैं न्यूमेरिकल से भागा नहीं था। भागते कौन है? भागते हुए जो डरपोक होते, जो कायर होते, ठीक है। मैं तो निडर था यार, वैसा निडर आपको भी बनना है। कभी न्यूमेरिकल से भागना नहीं, उसका सॉल्यूशन ढूंढना। मैं क्या करता था पता रहा हूं? मैं क्या करता था कि जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल से, मैंने से नहीं सॉल्व हो रहा है, बट करना तो है यार, करना तो है ना, मैं क्या करता था? टीचर है बता दिए ओके, बट नहीं है तो यार उस प्रकार का न्यूमेरिकल्स अपने बुक साइड बुक्स वगैरह में खोजते थे, अपने मॉड्यूल में खोजते थे कि इस प्रकार का न्यूमेरिकल्स है या नहीं, रहते थे फिर कॉन्सेप्ट सीख लिया। कॉन्सेप्ट हमेशा सीखने की कोशिश करना, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ज़्यादा सीखो। क्वेश्चन तो सॉल्व करनी है, लेकिन क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप कॉन्सेप्ट सीखोगे। टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, टीचर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या अप्रोच लगा रहे हैं, उस पे ध्यान देना, ठीक है। बायोलॉजी में आपको चार चीजें हमेशा चार चीजों पे स्ट्रिक्ट रहना। एक तो आपका एनसीईआरटी, दूसरा आपका मॉड्यूल, और तीसरा आपका टीचर्स का नोट्स, और एक आप साइड बुक रख सकते हो, एमटीजी फिंगर टिप्स ले सकते हो, काफी बेहतर है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप एमटीजी फिंगर टिप्स ले सकते हो, बट हमेशा याद रखना कि एनसीईआरटी सॉल्व करना है, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी, फिजिकल में, ट्वेल्थ का, ठीक है। स्टडी मटेरियल्स को लेकर स्ट्रिक्ट रहना, फाइन। लास्ट में बस ये बोलना चाहूंगा यार कि कभी भागना मत, ठीक है। अगर आपको लगता है कहीं पे पेन हो रहा है तो पेन से भागना मत, वो पेन को झेलने की कोशिश करना। क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करने की कोशिश करना। मैंने भी वो पेन झेला है और तुम्हें भी झेलना पड़ेगा, नहीं झेलोगे सिलेक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और यार आपके पास समय बहुत कम है, 8 महीने हैं, 8 महीने में जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट करो, फिर रिविजन भी आगे करना, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझ में आएगा, बाकी बातें हम आगे करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहना, मस्त रहना, ठीक है, खुश रहना।